नमस्कार, न्यूटेक इंडिया चैनल की इस नई और शानदार मशीन वीडियो में आपका स्वागत है। ये जो मशीन आप देख रहे हैं ये है डीलक्स ऑयल एक्सपेलर मशीन, बिल्कुल कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन है। अभी हम आपको तेल निकाल कर दिखाते हैं। इस मशीन को आप अपने घर के साथ साथ बिजनेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। और सबसे खास चीज तो ये है कि मशीन लगाकर आप घर से ही अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके द्वारा आप सिर्फ एक दो आइटम नहीं बल्कि जितने भी ऑयली आइटम होते हैं, जी हाँ बिल्कुल जितने भी ऑयली आइटम्स होते हैं, जैसे कि बादाम, सरसों, सोयाबीन, तिल, नारियल, मूंगफली के साथ हर एक आइटम का तेल निकाल सकते हैं। ये मशीन ऑयल निकालने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और कॉम्पैक्ट साइज की मशीन है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसकी पूरी बॉडी स्टील की बनी हुई है और इसमें एक ही बार में किसी भी बीज का तेल निकल जाता है। इसका ओवरव्यू देखा जाए तो यहाँ आप देखिए एक बड़े साइज का हॉपर लगा हुआ है। तेल निकालने के लिए इसमें हम बीज डालेंगे। आगे साइड देखिए एक पूरा इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल दिया गया है, यहीं से आप पूरे मशीन को कंट्रोल कर सकते हैं। मशीन कुछ इस तरीके से दिखती है, आप इसका साइज देख सकते हैं, बहुत बड़े साइज की नहीं है। यहाँ बैक साइड में देखिए कूलिंग फैन लगा हुआ है जिससे कि मोटर गर्म ना हो और लंबे समय तक वर्क करे। एक नहीं बल्कि दो कूलिंग फैन लगे हुए हैं, एक पीछे साइड और एक यहाँ ऊपर लगा हुआ है, तो मशीन काफ़ी लंबे समय तक वर्क करने वाली है। ऊपर दो हैंडल्स दिए गए हैं जिससे कि आप आसानी से मशीन को उठाकर कहीं भी ले जा सकें। बगल में आपको कवर मिल जाता है। यदि इसे मेन आगे साइड से देखा जाए तो यहाँ पर प्रॉपर स्क्रू सिस्टम दिया गया है जिससे कि एक ही बार में पूरा तेल निकल जाता है, वो भी बहुत आसानी से। ये 1500 वाट की सिंगल फेज मशीन है। यदि आप चाहें तो थ्री फेज मशीन भी ले सकते हैं। अभी यहाँ पर ये 1500 वाट की सिंगल फेज मशीन है तो इसे आप अपने घर में भी आसानी से चला सकते हैं। इसमें एक सबसे खास और यूनिक फीचर है कि एक ही बार में पूरा ऑयल निकल जाता है, आपको बार बार डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और यदि आप घर में निकालेंगे तो बिल्कुल फ्रेश ऑयल निकलने वाला है। बस आपको एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो इसमें आप बीज डालेंगे वो एकदम से सूखा होना चाहिए। यदि आपके गांव में खेती हो रही है तो आप वहां से बीज ले सकते हैं, और यदि नहीं हो रही है तो आप मार्केट से खरीद कर अपने हाथों से ऑपरेट करके बिल्कुल फ्रेश ऑयल निकाल सकते हैं। चलिए मशीन स्टार्ट करते हैं और आपको सरसों का ऑयल निकाल कर दिखाते हैं आखिर मशीन कैसे वर्क करती है और किस तरह ऑयल निकलता है। देखिए अलग अलग बीज के लिए अलग अलग टेम्परेचर होता है, इसे कैसे सेट करना है चलिए बताते हैं। सबसे पहले आपको लेफ्ट बटन लॉन्ग प्रेस करना है। जैसे ही SP4 आ जाए तो इन दोनों बीज के बटन से आप अप और डाउन कर सकते हैं। जब ये टेम्परेचर सेट हो जाए तो यहाँ पर राइट बटन को दबाकर आप फिर से बैक बटन प्रेस कर दीजिए। अभी देखिए टेम्परेचर एकदम से सेट हो गया। कुछ देर बाद मशीन अपने आप ही टेम्परेचर मेंटेन कर लेगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बगल में यहाँ पर आप देखेंगे कि स्क्वीजिंग ऑफ और क्लीनअप बटन दिया गया है। इसका मतलब ये है कि आप 0 से 1 पे जाएंगे तो मशीन ऑयल निकालने लगेगी, और जब एक बैच कंप्लीट हो जाए तो इसे 0 से 2 पे लगाकर आप रिवर्स में चला सकते हैं जिससे कि मशीन की क्लीनिंग हो जाएगी। ऑयल निकालते टाइम अगर कोई दिक्कत आती है तो यहाँ पर जो बूस्टर बटन दिया गया है इसे 2 से 3 बार प्रेस करेंगे तो एकदम से पावर मोटर में जाएगी और जो भी बीज वगैरह फंसी होंगी वो एक झटके में निकल जाएगी। अभी आप देखिएगा। चलिए इसमें सरसों डाल देते हैं। ये देखिए एकदम फ्रेश सरसों इसमें डाल रहे हैं, ये बिल्कुल सूखी हुई है, आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं। इसमें सरसों डाल दिए हैं, आप इसकी लाइव प्रोसेसिंग अपने सामने देख सकते हैं। अभी आप देखिएगा किस तरीके से तेल निकलता है। इसका हॉपर पूरी तरीके से भर दिए हैं, अभी मशीन चलने के लिए एकदम से तैयार है। अभी बस आपको 0 से 1 करना है और ये देखिए मशीन स्टार्ट हो गई है। अभी ये धीरे धीरे सरसों नीचे जा रहा है और इस स्क्रू में प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं यहाँ फैन भी स्टार्ट हो गया है जिससे कि मोटर बिल्कुल ठंडा रहे। टेम्परेचर तो 220 डिग्री पहले से ही सेट है। अभी आप आगे देखिए एक लाइन से खली निकल रही है। सबसे खास चीज़ तो ये है कि मशीन पूरे सरसों को निचोड़ कर खली निकाल रही है, इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं है। जी हाँ, थोड़ा सा भी ऑयल नहीं है, एक ही बार में पूरा निचोड़ लेती है, थोड़ा सा भी ऑयल नहीं बचा है। अभी ये डायरेक्ट नीचे कंटेनर में जा रहा है, आगे से खली निकल रही है और यहाँ आप नीचे देखिए बिल्कुल फ्रेश ऑयल निकल रहा है। यहाँ आप ऑयल की क्वालिटी देख सकते हैं कितने अच्छे क्वालिटी में बाहर निकल रहा है। यहाँ पर एक लाइन से तेल निकल रहा है। मशीन भले ही एकदम कॉम्पैक्ट साइज की है लेकिन आप इसकी वर्किंग देख सकते हैं कितने स्पीड में तेल निकाल रही है। इसका टेम्परेचर 220 जरूर है लेकिन ऑयल का टेम्परेचर एकदम से नॉर्मल है। शायद आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा तो यहाँ देखिए इसमें उंगली डाल रहे हैं। यदि गर्म होता तो 220 डिग्री टेम्परेचर पे उंगली जल सकती थी लेकिन इसका जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल नॉर्मल है। ये देखिए कोल्ड प्रेस मशीन है तो एकदम ठंडा तेल मिलने वाला है। इसकी आप प्योरिटी देख सकते हैं, इसमें खली बिल्कुल भी मिक्स होकर नहीं निकल रही है। अंदर फिल्टर लगा हुआ है तो एकदम से फिल्टर होने के बाद बाहर आ रहा है।
यदि मशीन का टेम्परेचर देखा जाए तो आप देखिए कि मशीन 220 डिग्री टेम्परेचर पर है, लेकिन इसका जो ऑयल है एकदम से ठंडा है। यदि गर्म होता तो उंगली डालते ही जल जाती, क्योंकि 220 डिग्री टेम्परेचर बहुत होता है। तो कहीं ना कहीं आप यकीन कर सकते हैं कि एकदम ठंडा तेल निकल रहा है, और स्पीड तो आप देख ही सकते हैं, काफ़ी स्पीड में प्योर ऑयल निकल रहा है। इसमें आप एक घंटे में 12 से 15 किलोग्राम किसी भी बीज का तेल निकाल सकते हैं। पावर कंजप्शन भी बहुत नहीं है। यदि आप एक घंटे मशीन चलाते हैं तो लगभग 1.5 यूनिट पावर कंज्यूम होता है। सिंगल फेज से मशीन चल जाती है तो आपको अलग से कनेक्शन कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप अपने घर के कनेक्शन से ही मशीन चलाकर अपना एक नया ऑयल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने आसपास के जो भी स्टोर हैं वहाँ भी ऑयल बेच सकते हैं, क्योंकि फ्रेश और ताज़े ऑयल की मांग हर जगह होती है। देख सकते हैं कि लगातार ऑयल निकल रहा है, लगभग सरसों खत्म हो रहा है। यहाँ आप देखिए, हॉपर में बिल्कुल भी सरसों नहीं है, और नीचे बिल्कुल फ्रेश और ठंडा तेल हमारा निकल कर आ गया है। ये देखिए, बस इतने ही समय में इतना सारा तेल निकल गया। नीचे अभी भी तेल निकल रहा है, चलिए इसको लगा देते हैं। यहाँ से जो खली निकल रही है, आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे क्वालिटी में खली निकल रही है। मार्केट में इसकी भी मांग है, काफ़ी अच्छे रेट में जाता है, आप इसको बेच सकते हैं। ये पशुओं के खाने के लिए यूज़ में आती है। इसमें थोड़ा सा भी ऑयल नहीं बचा है, एक ही बार में मशीन ने पूरा निचोड़ कर तेल निकाल दिया है। मशीन बहुत भजनी नहीं है, सिर्फ 45 किलोग्राम की है, तो आप अकेले ही उठा कर कहीं भी ले जा सकते हैं। सरसों से पूरा तेल निकल गया है। अभी चलिए मशीन बंद कर देते हैं। इसे आप रिवर्स में भी चला सकते हैं, लगभग 1 से 2 मिनट चला देंगे तो मशीन क्लीन हो जाएगी। क्लीनिंग करते समय इसका जो हीटर है इसे बंद कर दीजिए, क्योंकि अब इसका कोई यूज़ नहीं है। रिवर्स में चलाने पर आप अंदर देख सकते हैं, इसका स्क्रू अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। इससे फ़ायदा ये है, यदि कोई बीज वगैरह फंसा होगा तो वो एकदम से क्लीन हो जाएगी। हालांकि मशीन इतनी पावरफुल है कि कोई बीज फंसता ही नहीं है, बल्कि मशीन उसे भी प्रेस करके उसका तेल निकाल देती है। इसके अलावा यदि आप बाकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन में आपको नंबर दिख रहा है, इस पर आप कॉल करके रेट जानने के साथ साथ बाकी इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। एक बार आप कॉल तो करिए। इस चैनल में आपने देखा होगा कि यहाँ पर चाहे बात की जाए फूड मशीन्स की, एग्रीकल्चर मशीन्स की, कंस्ट्रक्शन मशीन, डेयरी मशीन, या फिर आपके घर के मुश्किल भरे काम को ईजी बनाने के लिए हर तरह की छोटी बड़ी मशीन्स अवेलेबल है। यदि आपने नहीं देखी है तो एक बार जाकर पुराने वीडियोज़ को देखिए, पुराने वीडियोज़ को देखिए, क्योंकि ओल्ड इज़ गोल्ड, वहाँ पर हमने ऐसी ऐसी मशीन्स को कवर किया है जो आपके मेहनत भरे काम को बस चुटकियों में कर देती हैं। तो एक बार जाकर देखिए, हो सकता है कोई एक छोटी सी मशीन आपका बिजनेस स्टार्ट कर दे, आपका काम ईजी बना दे। तो एक बार जाकर देखिए। चलिए मिलता हूँ स्क्रीन में दिख रहे इस नई और शानदार गन्ने का जूस निकालने के लिए सबसे छोटी मशीन में।